तहजीब आलम अशरफी। मैंने एक किताब में पढ़ा हूं, वह हुआ अला कुल्ले शैइन दाइन दाही। हजरात मोहतरम, जब इंसान बीमार होता है तो उसके लिए दुआ किया जाता है। दुआ से अगर वो ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर दुआ से ठीक ना हो तो अल्लाह का हुक्म है कि दवा करो। दुआ और दवा दोनों से इलाज करो। बरादरान इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-4-10 साल इमामत का अंजाम दिए, मुख्तलिफ जगह में इमामत वगैरह किए और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त अहबाब अक्सर जुमा के दिन जो छुट्टी में चले जाते हैं तो जुमा पढ़ाने की दावत आती है और दोस्त अहबाब के जरिए मिलादुन्नबी की महफिल में पहुँचता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का सिलसिला जारी है, बच्चों को भी मैं तालीम देता हूँ और मेरा दुकान का टाइम फिक्स है, जैसे सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, शाम 3 बजे से 7 बजे तक। अब इस टाइम में कभी आगे पीछे होता है, जुमा के दिन हम दुकान बंद रखते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ से काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, अच्छे हुए हैं, मैं भी खुश होता हूँ और मेरे मरीज भी खुश होते हैं। मैं भी दुआ करता हूँ, वो भी दुआ करते हैं। और कई उलमाए कराम से मैं सुना हूँ कि जब एक डॉक्टर नमाजी होता है, परहेजगार होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो दवा देते हैं तो मरीज को कामयाबी मिलती है। मैं कई बड़े बड़े मुकर्रर के मुँह से सुना हूँ कि यानी हमारे जमात में से जो डॉक्टरी करते हैं, हमारे जमात के लोग डॉक्टर काहे नहीं बनते हैं, सिर्फ आलिम हाफिज इमाम बन कर रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से जो है, मैंने अपने मेहनत और मुशक्क़त के जरिए मैं इस चीज़ को हासिल किया और मैं दीनी तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को मैं तालीम देता हूँ, मिलाद वगैरह करता हूँ, अपने मोहल्ले में जो मस्जिद है मौका महल जुमा भी पढ़ा देते हैं और मौका महल जो है 5 वक्त है, जब मौका मिलता है नमाज भी पढ़ा देते हैं। हजरात, मेरा दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है लेकिन मेरा ज़िंदगी का माशे ज़िंदगी जो है यही डॉक्टरी है। आप हजरात मेरे हक में दुआ करें कि मेरा मरीज हमसे जो भी दवाई ले उसको शिफाई कामिला अज़ला अता फरमाए और आपके हक में भी मैं दुआ करता रहूँगा। और मेरा वीडियो में एक, अगर आप देखते होंगे तो मैं एक शेर उसमें बोला हूँ, वो शेर यह है कि हर एक अच्छी बात बताना फितरत है हमारी, हर एक खुश रहे यह दुआ है हमारी, और कोई मुझे याद करे या ना करे आपको याद करना आदत
है हमारी। तो हजरात, ये मेरा दवाखाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने आप में खुश हूँ, अल्लाह ताला हमको खुश रखा है। मैं दुआ करता हूँ कि सारे उलमाए कराम, सारे मुसलमान जितने में है उतना में खुश रहें, उतना ही में सुकून हासिल करें, एक दूसरे के पीछे ना पड़े, दूसरे की अमीरी के तरफ तवज्जो ना, दूसरे की अमीरी को देखकर अपने आप को जो है मायूस ना रखें। यह आपकी बुजदिली है। दूसरे की अमीरी के तरफ तवज्जो ना दें। आप जितने में हैं आप उतना ही में खुश रहें, और अगर दूसरे ही को देखना है तो आपसे जो गरीब है, आपसे जो कम है, उसको देख करके आप अपने आप में खुशी हासिल कर लें। ये बात आपको, आप समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं कितनी अच्छी बात मैंने आपके हवाले किया। इस किस्म की बात अपने ही तक महदूद ना रखें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार को शेयर करें। यह मेरा दवाखाना है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और कामयाबी मिलती है। मैं भी सारे मरीज के लिए दुआ करता हूँ, और जो लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में दुआ करते हैं। और इसी चैनल के जरिए आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।